तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ मंदिर में। ये त्रिकुटा माता का मंदिर है। तो भाई यहाँ पे ये मंदिर कोटा के अंदर स्थित है और ये मंदिर जहाँ मेरी साइड है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कम से कम 140 किलोमीटर। तो भाई आज कैंप से मैं बहुत ज़्यादा छुट्टी लेकर के और आज़ादी के साथ आया हूँ एकदम, क्योंकि आज मेरे एक दोस्त ने मेरे को बाइक दी है और बाइक पर मैंने भाई 500 रुपये का तेल डलवाया है। और ये मंदिर का एंट्रेंस पे ही कुछ बच्चे लोग भाग के आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मंदिर का दर्शन कर लिया और ये पूरा मंदिर घूम लिया है। और गेट के बाहर दो बड़े बड़े शेर बनाए हुए हैं और एंट्री के ही गेट पे दो बड़े बड़े शेर हैं। ये माँ त्रिकुटा माता का मंदिर है। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे भगवानों की मूर्तिज है, मैं बताऊँगा। और ये देखो गेट पर बब्बर शेर सुला रखा है इन लोगों ने। तो भाई ये ट्रेन कोटा से कटरा जा रही है, कटरा माता वैष्णो देवी। तो भाई ये डमी है और इसको रख रखा है और इससे कंट्रोल रूम बना रखा है इन लोगों ने मंदिर के अंदर का। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा के हर चीज़ होल्ड करते हैं ये लोग मंदिर के अंदर की। भाई इसके आगे निकल करके एक भक्तजन खड़े हैं जो नमस्कार भी खड़े हैं, ये भी डमी में ही है भाई। और सामने देखिए, ये देखिए सामने हमारे बिल्कुल भोले बाबा हैं और भोले बाबा का त्रिशूल भी है और कई तरीका के भगवा झंडे, बिल्कुल तिरंगे लहरा रखे हैं इन लोगों ने झंडे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके अंदर मेरे को घूमने में, मन एकदम शांत हो गया है। और भोले बाबा को देख करके तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है क्योंकि हमारे बाबा तो बाबा ही हैं। और ये अंकल पानी से सब पेड़ पौधों को ठंडा कर रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पे आने के लिए पार्किंग के 10 रुपये लगते हैं बाइक या गाड़ी के, और इसके अंदर की एंट्री के पर पर्सन 60 रुपीज़ लगते हैं। तो भाई अगर आप लोग इसके अंदर आओगे तो 60 रुपीज़ की आपको टिकट कटवानी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर जूते जमा करवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, जूते हेलमेट अपना पर्स तो इस चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप अंदर आकर के ये सब फ्री में जमा करवा सकते हैं। और भाई सबसे दुख की बात मेरे फैंस के लिए और मेरे लिए तो उससे भी ज़्यादा दुख की बात कि भाई यहाँ पे आप कैमरा नहीं लेकर के जा सकते, मतलब मोबाइल आप अंदर इसके अंदर आप लेकर के नहीं जा सकते जहाँ पे सारी मूर्ति फ़ोटोज़ और जहाँ पे आप दर्शन करोगे। तो भाई यहाँ पे ले जाने का सीधा सीधा 500 रुपये फ़ाइन और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कैमरा भी जब्त कर लेंगे। तो भाई इस चीज़ के लिए लेकर के मैंने बात भी की लेकिन ये लोग नहीं माने। तो फिर आखिरकार मेरे को ऐसे ही जाना पड़ा और मैं दर्शन करके आ करके आपको पूरा चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ कि भाई कैसे क्या है अंदर, कितनी सारी मूर्ति है, कितने सारे भगवान हैं, तो मैं सब कुछ आपको अंदर का डिटेल बताऊँगा। तो भाई मैं अंदर घूमने गया, सबसे पहले तो मेरे को राधा कृष्ण जी मिल गए। राधा कृष्ण जी भाई बहुत अच्छे लग रहे थे झूला झूलते हुए। और इसके अंदर जाते जाते आपको रास्ते में एक छोटी सी नदी मिलेगी, नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो भाई आपस में लड़ रही थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके। और सॉरी गाइस मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया क्योंकि यार वहाँ पे कैमरा ले जाना मना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में, और मेरे को अपना फ़ोन वहीं पे जमा कराना पड़ गया। भाई उसके आगे मैं गया, उसके आगे मुझे खाटू श्याम बाबा मिले भाई, जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और बाबा मेरी सुनते भी हैं। तो आप लोग भी इस मंदिर में एक बार ज़रूर दर्शन करना। उसके बाद मुझे राधा किशन जी का बड़ा मंदिर मिला, फिर उसके ऊपर गए हम लोग। वहाँ से ऊपर जाने के बाद हमें एक माता रानी मिली और उसके बाद त्रिकुटा वाली माता रानी मिली मुझे। भाई वहाँ पे तो इतना मज़ा आया और फिर वहाँ पे मैंने अपने चेहरे पे राधे राधे का तिलक लगवाया। और मतलब वो पंडित जी इतने प्यारे थे ना यार, वहाँ पे इतने प्यारे थे कि मैंने उनको बोला, उन्होंने सिर्फ मेरे माथे पे लगाया, मैंने उनको बोला मेरे पूरे चेहरे पे 5 जगह लगा दो, तो उन्होंने मेरे को मेरे माथे पे पूरे 5 जगह लगा दिया। तो भाई इतना मज़ा आया उनको और उन्होंने मेरे को प्रसाद भी खाने को दिया और भाई मैंने अपना पर्स भी जमा करा दिया। तो मैंने उनको बोला कि बाबा मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अगली बार आना तो कुछ चढ़ा देना। और जो ये सबसे टॉप पे आपको मंदिर दिख रहा है ये भैरव बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत देर तक आराम किया। और गाइस एक अंदर की एक ख़ास बात यह है कि अंदर जाने के बाद भाई इतना मज़ेदार है कि आपको माता रानी तक पहुंचने के लिए, वैष्णो माता तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जैसे माता वैष्णो देवी में पहाड़ के अंदर से बना रखा है, बिल्कुल वैसे ही आपको पहाड़ के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा क्योंकि भाई उन्होंने गुफा बना रखी है इसके अंदर। भाई जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है लेकिन इतना प्यारा मंदिर बना रखा है इन लोगों ने कि मैं बता ही नहीं सकता। भाई मैं तो देख करके हैरान हो गया और इतना सुकून है मंदिर के अंदर घूमने के लिए। भाई अगर कोई भी कोटा आना तो भाई प्लीज़ यार इस त्रिकुटा मंदिर में, माता मंदिर में ज़रूर आना यार। मैं तो कहता हूँ भाई कैसे भी करके एक बार कोटा ज़रूर आओ और इस मंदिर में ज़रूर घूमना। भाई मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद आया ये मंदिर। और यहाँ पे जो ये सामने मैंने बड़े वाले भोले बाबा दिखाए हैं, इसके नीचे इनका शिवलिंग बना हुआ है मस्त, इनकी शिव और पार्वती जी की मूर्ति भी रखी हुई है। तो भाई आप अंदर जा करके एकदम आराम से पंडित जी को बोल करके पूजा भी करवा सकते हैं यहाँ।
आराम से प्रसाद भी चढ़वा सकते हैं। और यहाँ पे हर मंदिर के सामने जाएंगे आप तो आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, और भैरव बाबा पे तो बबूत जरूर ही खाना भाई, क्योंकि वहाँ की बबूत बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि भैरव बाबा पे अगर भैरव बाबा के पास नहीं गए तो आपके कहीं के भी दर्शन सफल नहीं होते हैं, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है और ये सब ने कहा है। तो भाई भैरव बाबा पे जरूर जाना, उसके बाद खाटू श्याम वाले मंदिर में जरूर जाना, इसके अंदर राधा कृष्ण टेम्पल में जरूर जाना, शेरा वाला माता मंदिर के पास जरूर जाना, और त्रिकुटा माता के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप वहीं पर आए हो। तो गाइस ऊपर में दो कैंटीन भी बनी हुई हैं, अगर आपको चढ़ते चढ़ते भूख भी लग जाए तो आप वहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है यार, मतलब बजट में आ जाएगा, सब कुछ बजट के अंदर ही है। भाई मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी पी वहाँ पर क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने एक जगह खाना खा लिया था, वो खाना भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो गाइस अगर ये सीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों से। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ और उसके आगे पढ़ाई भी करनी है। तो दोस्त थैंक यू।